तो इसके जो अपना मैपिंग है, मैपिंग के लिए जो है आपकी जो एसेंशियल रिक्वायर्ड है वो एक ब्रंटन कंपास होगी और एक आपके पास मेजरिंग टेप होगी। मेजरिंग टेप आपको किस लिए चाहिए? ताकि डिस्टेंस का आपको पता लगे। ब्रंटन कंपास आपको किस लिए चाहिए? ताकि आप उसकी बीरिंग करते जाएं, ठीक है। जो मैपिंग है उसमें आप सिंपली बीरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप एट्रीब्यूट और लोकेशन के फाइंड करेंगे कि जो लिथोलॉजी है उसकी स्ट्राइक एंड डिप, वो इलादा का डेटा सेट आपके पास बन रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन आपने मार्क की, या फिर आप ये कहते हैं दो तरीके, या तो आप जो है 30 मीटर के ऊपर डिस्टेंस के ऊपर आप मैयत करते जा रहे हैं, तो आपका जो बंदा है वो नेक्स्ट 30 मीटर के ऊपर या 20 मीटर के ऊपर जिस तरह आपको फिजिबल है उस पे वो जाके खड़ा हो जाएगा। क्योंकि रोड सेक्शंस हैं तो रोड सेक्शन जो है वो ऑब्वियसली इस तरह करवी वगैरह में मूव कर रहा है जिस तरह भी, ठीक। तो आपका जो पार्टनर है वो आपके सेट पॉइंट के ऊपर जाके खड़ा हो गया, सही है। अब यहां पर से एक तो आप मेजरमेंट करेंगे, मेजरमेंट कितना मीटर का है, ठीक है, 30 मीटर है या 20 मीटर है, जितना है लेट्स से 30 मीटर पे। फिर सेकेंडली आप यहां से करेंगे उसकी बीयरिंग लेंगे। बीयरिंग क्या है? बीयरिंग बेसिकली सिंपल जो है आप देख रहे होते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ आपका और उस बंदे का, ठीक, उस फीचर का आपस में एंगल कितना है, ठीक है। तो आप वो बीयरिंग लेके आप ये जो फिर सेकंड पॉइंट पे आप चले जाते हैं, ठीक। फिर सेकंड से थर्ड के ऊपर भी आप ऐसे ही प्रोसीड करेंगे, ठीक। और ये जो सैंपल पॉइंट्स हैं, इन सैंपल पॉइंट्स के ऊपर जो है आपने वो रिकॉर्डिंग वगैरह लेनी है, ठीक। ये हो गया, ये हो गया, थर्ड आपके पास जो है, इसी से आप प्रोसीड करते जाएंगे। इसको कहा जाता है ट्रेवर्स मैपिंग, ये सिंपल सा है, ठीक। तो इसको वापस जो है जिस टाइम आप मैप पे जनरेट कर रहे होंगे, तो मैप पे ऑब्वियसली आपने जो है एक सेट स्केल पहले चूज कर लिया, जैसे हम प्लेन टेबल वाले पे कर रहे थे कि यहाँ पे अगर हम 30 मीटर का कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर आपके पास कितना आ गया, 10 मीटर का, तो आपके पास 3 सेंटीमीटर आ गया, कितना, 30 मीटर का। तो यहाँ से इनिशियल पॉइंट पे आपने एक दरमियान में पेज के, या फिर आप किसी एक साइड पे आप पेज के जहाँ पर से आपको लगता है कि आगे ट्रेंड इस तरह जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जाने से पहले जो है वहाँ का टोपोग्राफिक शीट मैप देखेंगे, या फिर आप वो देख रहे होते हैं क्या नाम है सेटेलाइट इमेज देख रहे होते हैं, तो उसमें आपको एक रफ आइडिया हो जाता है कि रोड की जो है वो डायरेक्शन किस साइड पे है, वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे जा रहा है या फिर नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे जा रहा है। तो अगर नॉर्थ वेस्ट वाली साइड पे जा रहा है तो आप इनिशियल पॉइंट जो है वो राइट साइड पे करेंगे, ताकि आपका सारा मैप जो है ना पेज के उसी के अकॉर्डिंगली लेफ्ट साइड पे वो इम्पोज हो जाए, ठीक है। अगर वो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे जा रहा है तो फिर आप पॉइंट जो है वो पेज के लेफ्ट साइड पे रखेंगे, ताकि आपका जो मैप है वो मैप के जो पेज है, ठीक है, आपकी सारी रिकॉर्डिंग उसकी राइट साइड पे इजीली उसके ऊपर जो है वो प्लांट हो जाए, क्योंकि जितनी भी रिंग आएगी आपके पास वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही आ रही होंगी ना। तो उसके बाद करना क्या है, आपने इनिशियल पॉइंट मैप के ऊपर प्लॉट कर लिया आपने, वहां पर से जितनी आपने बीरिंग ली हुई थी लेट्स से के नॉर्थ, यहाँ से जो बीरिंग थी आपके पास लेट्स से ये आपके पास नॉर्थ 10 डिग्री ईस्ट आ रही है, ठीक है। यहाँ से ऊपर थर्ड के लिए जो है वो आपके पास यहाँ लेट से 20 डिग्री आ रही है, यहाँ से यहाँ तक नॉट 20 डिग्री ईस्ट आ रही है आपकी, जो सिंपली स्ट्राइक होती है, बीयरिंग होती है। तो आप हमने इस स्केल के मुताबिक सेकंड पॉइंट जो है हम यहाँ पे रखेंगे प्रोटेक्टर, ठीक है। प्रोटेक्टर आपको पता है, आप लोगों ने बचपन में यूज किए होंगे, वो ऐसा डीज जो होता है, ये उसका सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट को आप यहाँ पे रखेंगे, ठीक। यहाँ से ये कितना है हमारे पास, 10 डिग्री है, ये आपके पास ईस्ट क्वाड्रेंट बन रहा है, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास वेस्ट आ गया। तो 10 डिग्री पे आपने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप डी को रिमूव करेंगे यहाँ से,
तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। तो इस पॉइंट को करना क्या है कि आपने साथ में स्केल यूज किया और इसको हमने, क्योंकि ये आपके पास कितना हमने किया था, 30 मीटर का था, तो ये आपके पास 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर से आप लाइन उस डायरेक्शन में करेंगे। ये आपका पॉइंट टू आ गया। यहाँ पे अगर आप इम्पोज करना चाह रहे हैं कोई स्ट्राइक डिप की इंफॉर्मेशन तो वो आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फिर यहाँ पर से आपने जो थर्ड लिया था वो आपके पास नॉट 20 डिग्री ईस्ट था और आपके पास मेजरमेंट फॉर एग्जांपल जो है वो 20 मीटर की आ रही थी, तो यहाँ से जो सेकंड पॉइंट है आप वही प्रोसीजर सारा अप्लाई करेंगे, वैसे ही डी रखेंगे और यह जो आप है यहाँ पे 10 डिग्री था या 20 डिग्री, 20 डिग्री का आप एक पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक, तो फिर यहाँ पर से 2 सेंटीमीटर की लाइन आप नेक्स्ट पॉइंट तक करेंगे। यहाँ पे भी आप जो उसकी इम्पोजिंग वगैरह करना चाहें, डिप स्ट्राइक वगैरह की, या बाकी अपने सैंपल नंबर्स लिखना चाहें, सैंपल वन था यहाँ से लिया या सैंपल टू था, तो ये ऐसे ही प्रोसीड करता जाता है। ठीक, यहाँ पे उसके अलावा आप ये यहाँ पे एक स्ट्रिप के तौर पे यहाँ पे आप उसकी लिथोलॉजी भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है वो डोलोमाइट आ रहा था, यहाँ पे आपके पास जो है वो सैंड आ रहा है, इतने पोर्शन में सैंड आ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे वो भी देखा जाता है कि आपका जो बेड है लिथोलॉजी, उसका इनिशियल पॉइंट और उसका आफ्टर पॉइंट भी आप मार्क कर सकते हैं। उससे ये है कि आपको ये पता लग जाएगा कि ये लिथोलॉजी कितने डिस्टेंस से स्टार्ट होके कितने डिस्टेंस पे एंड हो रही है। इसके दरमियान में अगर आप फिलिंग करना चाहें तो वो भी, जिस टाइम आप मूव आउट कर रहे हैं तो वो उतने ही उसके मुताबिक आप यहाँ पे फिलिंग करते जाएंगे। एक सेकेंड, वो मेक मैं एक कॉल ले लूं। तो ये समझ आ गई आपको टेप एंड कंपास मेथड? यस सर। हाँ, तो ये ऐसे ही होता है, आगे जो है इसकी प्रोसीडिंग वगैरह होती है। इसी तरह जो है वो फुल आपके पास मैप जनरेट हो जाएगा इस तरह का, ट्रेवर्स मैप। ठीक, अब ये जैसे इसका इनिशियल पॉइंट जो था वो यहाँ पर आ रहा था, यहाँ से उसने जियोलॉजिकल जो आप उसकी सैटेलाइट इमेजरी वगैरह देख के उसे पता था कि जो रोड है वो इस तरह इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसने जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो इसके स्टार्ट में यहाँ पे लिया, पेज के पेज आप तक है कि अगर आप उसे, आपका मैप जो है वो फॉरवर्ड अप मूव कर रहा है तो आप इसे जो है वो वर्टिकल फेस में रखेंगे, नहीं तो आप इसे जो है हॉरिजॉन्टल फेस में आप पेज को यूज कर सकते हैं। ठीक, तो उस सेक्शंस के अलॉन्ग जो है इसने वहां पे जितने आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के ऊपर इसने मार्किंग की हुई है, तो इन्हें कहा जाता है स्ट्रिप मैप्स। ठीक, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका S2 आ गया, ये S3 आ गया, उनके अकॉर्डिंगली ये इसने ये बी रिंग वगैरह मार्क की हुई है। ठीक, ये जो है ये जो कर्व आ रहे हैं ये रोड के ओरिजिनल कर्व्स हैं। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइंस हैं ये उसकी बी रिंग्स हैं। इस बात की समझ आ गई? यस सर। चलें फिर ऐसा करते हैं कि हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं। हाँ, एक मिनट मुझे दीजिएगा, बच्चों का हमला हो गया। तो इसके प्री रिक्विजिट्स वगैरह सारी चीज़ें आप ये इसमें जो है पढ़ सकते हैं। कल मैम ने इसे तफसील से डिफाइन भी किया था। उसके अलावा भी जो है ये आपको मैंने बेसिक मैकेनिज्म बता दिए, सारा तफसील के साथ यहीं पे लिखा हुआ है। तो आज करते हैं हम माइंड मैपिंग के बारे में
कि माइंस के अंदर जिस टाइम आप जाएंगे तो वो मैपिंग किस तरह करेंगे. जो पिछला चैप्टर था ये सिंपल मैपिंग का था, सरफेस मैपिंग का, जियोलॉजी के साथ जो है आप इनकॉर्पोरेट करके आप मैपिंग किस तरह बना रहे होते हैं सरफेस की. उसके बाद जिस टाइम आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या आपका प्रॉस्पेक्ट जोन डिफाइन हो जाता है तो उसके अंदर जिस टाइम मैपिंग स्टार्ट हो रही होती है तो उसका विद लेवल्स जो मैपिंग हो रही होती है उसकी टेक्निक्स जो है वो इसमें बताया गया है. ठीक, तो फर्स्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया था वो 1993 में एक कॉपर कंपनी थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इसकी मैपिंग वगैरह की थी. ठीक है, तो 20th century में, तो उससे ऑनवर्ड जो है ये फिर मैपिंग की जो टेक्निक्स हैं इसको जो है वो फुल टाइम जो है उन्होंने इनकॉर्पोरेट करना पड़ गया. क्योंकि मसला ये होता है कि अगर आप माइंड के दौरान करंट जो आपकी माइंड है उसके दौरान अगर आप मैपिंग नहीं कर रहे होंगे तो वो प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ दफ़ा जिस तरह वो स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, कोई बेड वगैरह वहाँ पर कोई फॉल्ट है तो आपका जो इकोनॉमी जो ओर है वो मिस होने के चांसेस हो जाते हैं. ठीक है, तो बस दफ़ा अक्सर जो है वो माइंस वालों के साथ जिस टाइम आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि आप वो फॉर एग्जांपल किसी कोल माइन के साथ आप काम कर रहे हैं तो वो नॉर्मली ये कहते हैं कि यार हम ये कोल सीम हमने डिस्कवर की थी उसके अलॉन्ग जो है हम ड्रिलिंग कर रहे थे. ऑब्वियसली जो ड्रिलिंग होगी वो अलॉन्ग द स्ट्राइक ही होती है. ठीक है, अगर तो आप एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन वेल है, ठीक, तो वो ड्रिलिंग जो है वो आप अक्रॉस द स्ट्राइक कर रहे होते हैं ताकि आप मैक्सिमम जो है उनको जो आपकी लिथोलॉजीज हैं उन्हें आप इनकॉर्पोरेट कर सकें और आपको पता लगे कि यार इसमें कौन सी लिथोलॉजी जो है उसकी थिकनेस कितनी है और वो कितनी डेप्थ पे अवेलेबल है ना. तो लेकिन जिस टाइम आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं कि जी सर ये रिपीट करिए ड्रिलिंग वाला, सर ये कौन सा स्प्रे के रंग करते हैं इसका और कौन सा हो दूसरा. देखें जिस टाइम आप एक्सप्लोरेशन कर रहे होंगे, एक्सप्लोरेशन वेल्स जिस टाइम ड्रिल किए जाते हैं प्रीलिमिनरीज में होते हैं. जिस टाइम आपका प्रोस्पेक्ट, आपका फर्स्ट केस में ये है कि आपने मैपिंग की सरफेस की, उसमें आपको पता लग गया कि यार प्रोस्पेक्ट जोन्स कौन कौन से एरियाज में हो सकते हैं. ठीक है, तो वो फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्रोस्पेक्ट जोन जो है वो डिफाइन हो गया. इस प्रोस्पेक्ट जोन के अंदर उसकी ओरिएंटेशन किस तरह है, डिपिंग किस तरह है, क्योंकि सब सरफेस के बारे में तो आपको नहीं पता. आपने वो जो सरफेस मैप बनाया है वो सरफेस की ओरिएंटेशन के मुताबिक बनाया है. ठीक, कि सरफेस पे अगर जो है वो इस तरह आपके पास लिथोलॉजी जो है वो आगे जाके डिफ्यूज हो जाती है, आपको नहीं पता कि आगे सब सरफेस में वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक, तो उस ट्रेंड को रीड आउट करने के लिए फिर आप वहाँ पे एक्सप्लोरेशन वेल्स ड्रिल करते हैं. एक्सप्लोरेशन वेल्स का बेसिक मकसद ये होता है कि वो आपको पता लगे कि कौन सी फॉर्मेशन जो है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फॉर्मेशन वन है, ये फॉर्मेशन टू है, ये फॉर्मेशन थ्री है आपके पास. इसमें जो आपके पास प्रोस्पेक्ट किए जिसमें हम कह देते हैं कि जी कोल है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का, ठीक, तो ये कोल जो है आगे फर्दर कितनी डेप्थ पे हमें मिलेगा जिस टाइम हम उसकी माइनिंग कर रहे होंगे. क्योंकि अगर ओवर बर्डन प्रेशर ज़्यादा है और आपके पास जो डेब्रिस है उसका आपके पास लोड ज़्यादा आ रहा है तो फिर आप वहाँ पे टनल माइनिंग करेंगे. ठीक है, अगर ओवर बर्डन कम है और आप उसका जो डेब्रिस है उसे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं ब्लास्ट ऑफ करके, तो फिर आप क्या कर रहे होते हैं, फिर मोर फिजिबल ये होता है कि आपके पास अच्छी यील्ड के लिए अगर डिपॉजिट आपका ज़्यादा है, ठीक है, और उसका जो ओवर बर्डन है जिस तरह लिथोलॉजी वन है, सिर्फ एक आधी लिथोलॉजी एक दो मीटर का आपके पास डिफरेंस है तो आप उसे ब्लास्ट ऑफ करके रिमूव कर देते हैं. लेकिन अगर इसके ऊपर मजीद ओवरलोड है, आपके पास मजीद फॉर्मेशंस हैं, तो ऑब्वियसली आप इतने पूरे एरिया को आप ब्लास्ट ऑफ नहीं कर सकते. तो वहां पे आप जो टेक्निक यूज करेंगे वो आप टनल माइनिंग की यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल एक मीटर का आपके पास कोल का बेड है, एक मीटर के लिए आप ऊपर के जो है तकरीबन 15 मीटर का ब्लास्ट ऑफ तो नहीं कर सकते ना. तो अगर आपके पास डिपॉजिट ज्यादा है तो फिर आप ऊपर का पोर्शन जो है उसे आप रिमूव कर देते हैं. ठीक, इन एनी केस आपको स्टार्ट में वहाँ पे एक्सप्लोरेशन वेल ड्रिल करने पड़ते हैं ताकि आपको सब सरफेस के बारे में पता लगे. एक एक्सप्लोरेशन वेल्स भी होते हैं, पिट्स भी बनाई जाती हैं वहाँ पे, ट्रेंचेस भी बनाई जाती हैं बुलडोजर वगैरह यूज करके, ताकि जितना सब सरफेस में आप उस लिथोलॉजीज का ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट करने के लिए आप जितना सब सरफेस में आप डीप मूव कर सकें. ठीक,
तो वो जिस टाइम आप एक्सप्लोरेशन वेल करते हैं तो वो अक्रॉस द स्ट्राइक होती है, ठीक, ताकि जितनी मैक्सिमम लिथोलॉजीज हैं वो इसमें हिट हो सकें और आपको पता लगे कि यार कौन सी लिथोलॉजी का सबसरफेस में आपके पास कैसा ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। ड्रिलिंग के आगे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उसमें आपके पास रोटरी ड्रिलिंग भी आ जाती है, परकशन ड्रिलिंग भी आ जाती है, फिर कोर ड्रिलिंग भी आ जाती है। कोर वाली ड्रिल अगर जिस टाइम आप लेते हैं वो होते एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें ये होता है कि पूरी की पूरी कोर आपके पास, जैसे डायमंड ड्रिलिंग है तो पूरी की पूरी कोर आपके पास वैसी की वैसी ही एक्सट्रैक्ट हो जाती है। तो उसके अंदर जो माइक्रो आपके पास फॉल्ट तक है, माइक्रो लिथोलॉजी या फोल्डिंग वगैरह, वो सारी इवन की बेडिंग की डायरेक्शन वगैरह भी ये आपको फाइंड आउट हो सकती है उसमें, ठीक है। अगर लेकिन अगर आप सिंपल रोटरी ड्रिलिंग कर रहे हैं या परकशन कर रहे हैं तो उसमें आपके पास पीसेस चंक्स आ रहे होते हैं, तो पीसेस को आप नहीं रीओरिएंट करके आप बता सकते हैं कि यार यहाँ पे आगे डिप की डायरेक्शन किस तरह की है, या फिर वहाँ पे माइक्रोफॉल्ट है, माइक्रोफॉल्ट है, या बाकी चीजें कैसी हैं, ठीक है। तो लेकिन जिस टाइम आपको एक चीज डिस्कवर होगी कि यार ये जो ग्रीन कलर की हमारे पास ये बेल्ट है, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, ये जो लिथोलॉजी है या जो कोल की सीम है या फिर किसी मिनरलाइजेशन की वो है सीम है, तो इसको जिस टाइम आप ड्रिलिंग करते हैं तो ये डायरेक्शनल ड्रिलिंग होती है और ये अलॉन्ग द स्ट्राइक होती है, ठीक है, क्योंकि ये लिथोलॉजी वन लिथोलॉजी थ्री ये तो यूजलेस है, हमने जो एक्सट्रैक्ट करना है वो लिथोलॉजी टू को करना है। तो हम फिर अलॉन्ग द स्ट्राइक इसकी ड्रिलिंग करके इस सारे का जो ग्रीनिश कलर है मैंने यहाँ पे प्लॉट किया वो इस सारे को एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे, समझ आए। तो वो ओपन पे ओपन कट माइनिंग किस टाइम यूज होती है, जब ओवर बर्डन प्रेशर कम हो। तो इसकी जिस टाइम आप मैपिंग करेंगे तो ओपन कट में ऑब्वियसली आपके पास ज्यादा जो है वो प्लस पॉइंट्स मिलते हैं, क्योंकि जिससे वो मोस्ट आपके पास जो एडवाइजेबल होता है वो ये होता है कि अगर आप किसी एरिया में आप सेक्शन बना रहे हैं, आप लिथोलॉजी सेक्शन कर रहे हैं या फिर आप जियोलॉजी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मोर जो सूटेबल प्लेसेस होती हैं कि अगर रोड कट्स के आप अलॉन्ग करें, क्योंकि रोड कट्स जो है वो बनाए जाते हैं तो वो जितना जहाँ पे ह्यूमन मूवमेंट कम हो तो वहाँ पे आप देखते हैं जो पहाड़ हैं वो उनके ऊपर वेजिटेशन होती है, अगर तो वहाँ पे लैंडस्लाइड होगी तो फिर वो पोर्शन जो है वो विजिबल सब सरफेस का आपके पास विजिबल हो जाता है। लेकिन रोड कटिंग जिस टाइम होती है तो रोड कटिंग के अलॉन्ग इनको कट किया जाता है तो वो आपके पास जितनी जो हिडन सब सरफेस में लिथोलॉजीज होती हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह अगर आप ओपन कट माइन कर रहे हैं तो ओपन कट माइनिंग में आपके पास ये प्लस पॉइंट होता है कि आपके पास वर्टिकल या फिर नियर वर्टिकल आपके पास एक्सपोजर वहां पे मिल जाए, ठीक। तो वो जो आगे कह रहा है कि जिस टाइम स्टार्ट में इनिशियल में आप सरफेस मैपिंग कर रहे होते हैं तो सरफेस मैपिंग आपको इंफॉर्मेशन तो देती है लेकिन कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसका आधा पोर्शन जो है वो जो कि सब सरफेस में आपकी लिथोलॉजीज का जा रहा है वो आपके पास हिडन होता है, वो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद नहीं है। तो जिस टाइम आप सब सरफेस में ओपन कट माइन के अंदर मैपिंग कर रहे होंगे तो वो जिस टाइम आपको रिलेट करेंगे सरफेस मैप के साथ तो वो आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर शो कर रहा होता है, ठीक है। उससे पहले कि जितने आप सेक्शन बना रहे होते हैं सिंपली सरफेस मैपिंग को यूज करके तो वो आपके पास एक्स्ट्रापोलेट हुए होते हैं सब सरफेस में, ठीक है। यहाँ पे जैसा हमने किया था कि वो उनको फर्दर उन्हीं डिप्स के अलॉन्ग जो है वो नीचे रीप्रोजेक्ट किया जाता है कि यार होपफुली आगे जो है सब सरफेस में इस ट्रेंड में मूव कर रहा होगा, तो वो आपके पास एक assumption types होती है। लेकिन अगर आपको ओपन कट माइन के अंदर भी आप मैपिंग कर रहे हैं तो वो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, जो कि आपकी सरफेस जियोलॉजी के मैप के साथ जिस टाइम आप उसे कोरिलेट करें तो वो आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है। तो नॉर्मली ऐसा होते हैं, ठीक, ये ओपन कट माइन है, इसको लेवल बाय लेवल जो है उसने इसे मूव कर रहते हुए जा रहे होते हैं। इनकी जो वर्टी आप हॉरिजेंटल जो लेवलिंग है जिसमें आप मूव ये जो स्लाइसेस हैं इसमें आप कट करके इसको डेब्रिस को जो वेस्ट है आपका इसको आप जो है रिमूव कर रहे हैं, इसको कहा जाता है फ्लिचेस,
ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल आपके पास स्लाइसेस होते हैं इनको जो आप रिमूव कर रहे होते हैं आपके पास, इनको कहा जाता है फ्लिचेस, ठीक है। बाकी फिर बर्म होता है, फिर बैटर होता है, बैटर जो है इसकी ये जो फेस होता है वर्टिकल, इसको कहा जाता है, ठीक। तो ये आपके पास एक्टिव माइनिंग फेस आ गया कि यहाँ पर से वो एक्टिवली यहाँ से रिमूव करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, पीछे की तरफ। तो वो एक यहाँ पे इसने ये शो किया हुआ कि एक ओवल शेप में या स्फेरिकल शेप में वो आगे मूव करते जा रहे हैं, ठीक है। तो या ये आप ब्लास्टिंग के साथ रिमूव कर देते हैं, या फिर आप जो है वो अर्थ मूवर्स यूज करते हैं। अर्थ मूवर्स कहा जाता है वो जितनी ये आपके पास वो नहीं होती बड़ी क्रेने वगैरह जो होती हैं, उनको शॉवल वगैरह यूज करके तो इनको रिमूव किया जाता है ऊपर का जो ओवरबर्डन जितना वेस्ट लोड है। तो इसके अलावा ये जो उसने कहा कि मैंने आपको कहा कि या तो आप वो ओपन पेट में पूरे का पूरा का पोर्शन ही रिमूव करते जा रहे हैं, उसके अलावा या फिर आप ट्रंचेस वहां पे बनाएंगे या फिर सिंपली पेट से बना रहे होते हैं। इन एनी केस जो पेट्स हैं वो भी और उसके अलावा जो आपके जो ओपन पेट में भी जो उसके फेसेस होते हैं, उसकी जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, मैपिंग कर रहे होते हैं, वो फील्ड शीट्स के ऊपर कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसा कि ग्राफ पेपर्स होते हैं। कल हमने जैसा वो किया था बैक ग्रिड का जो मैपिंग हमने की थी वो ग्राफ शीट्स के ऊपर किया था। इसका फायदा ये होता है कि आप एक दफ़ा एक स्केल सेट कर दें कि ग्राफ के कौन से बॉक्स जो है वो कितने सेंटीमीटर की इक्वल है, तो उसको आप यूज करते हुए लेटर ऑन आपको जो है वो उसकी जरूरत नहीं पड़ती जो आप स्केल बार बार यूज करेंगे, मतलब फुट आप बार बार यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो उसके अलावा ये कहता है कि उसके जो वर्टिकल फेसेस हैं जो आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल अगर ऊपर से आप देखेंगे तो आपको जो पाँव में अगर जिस तरह ये गाड़ी के यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पर से अगर आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन करते हुए जा रहे हैं कि कैसे चेंजेस आ रही है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे खड़े हैं फ्रंट फेस पे और वहाँ पे अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिस तरह ये ब्लैक कार है यहाँ पे, तो आपके पास जो है मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास वो ये इंफॉर्मेशन आपके पास मजीद डेंसर आ जाती है, ठीक है। तो इसमें सिंपली उसने किया हुआ क्या है, एक समरी के तौर पे देखते हैं कि तो बाद में इसको हम पढ़ भी लेंगे। तो ये आपके पास जो कटिंग फेस है इसका, इस फेस को सेक्शन व्यू टू द नॉर्थ मींस कि आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन इस साइड पे नॉर्थ की डायरेक्शन है। तो ये आपके पास जो फेस है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन हम बना रहे हैं तो फेस जो है वो आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक हो गया। अब यहाँ पर से इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट पे इसने यहाँ पे जो ब्लैक कार है यहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसका जो इनिशियल पॉइंट है यहाँ पे इसने रिकॉर्डिंग ली इसकी हुई टेप एंड कंपास मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे उसने उसकी फर्स्ट पॉइंट पे उसने उसका एट्रीब्यूट्स जो है उनको स्टडी किया, ठीक है। तो ये उसने डिप मार्क की हुई है उसकी 60 डिग्री की। तो फर्दर आगे यहाँ पे गया तो उसने यहाँ पे इसकी डिप वगैरह भी देखी हुई है, ठीक है, इनको ये प्लॉटिंग हुई हुई है। ये उसका सेकंड पॉइंट है, ठीक है, ये उसका 1.1 है, ये सेकंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये इसका थर्ड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो उसने वो सेट किया हुआ था 30 मीटर पे 20 मीटर पे जितने पे भी, उसके अलॉन्ग जो है वो कितने डिफरेंस पे आ रहा है। ये आपके पास ये जो बैट है इसकी प्रोजेक्शन इसने ये की हुई है, ठीक है। फर्दर ये आगे यहाँ पे इन बैट्स की ये प्रोजेक्शन की हुई है। यहाँ पे इसके पास फॉल्ट एक इनकाउंटर हुआ है तो इस फॉल्ट को उसने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। ये सारी की सारी को प्रोजेक्शन उसने एक क्रॉस सेक्शन में इसको शो किया हुआ है, ठीक है, एक ट्रेवर्स मैपिंग के अलॉन्ग। ये एक रोड है आपके लिए, ठीक है, फेस हो गया, रोड हो गया, इन सारों को आप एक ही तरीके से स्टडी कर रहे होते हैं टेप एंड कंपास मेथड के थ्रू। तो उसके अलॉन्ग की ये जितने उसके फीचर्स हैं, फॉल्ट है अभी यहाँ पे फॉल्ट इस साइड पे डिपिंग है, ठीक, तो उसने यहाँ पे ये इसकी डिप जो है वो इस तरह मार्क की हुई है।
ये आपके पास प्लानर फीचर है, जिस टाइम आप प्लानर फीचर की डिप एंड स्ट्राइक डिफाइन कर रहे होंगे तो ये उसका सिंबल है। अगर आप उसको फॉल्ट को कर रहे हैं तो थ्रस्ट फॉल्ट है तो आप इस तरह करेंगे, अगर आपके पास नॉर्मल फॉल्ट है तो आप उसको स्नैक बॉक्स में शो करते हैं, और अगर आपके पास सिनेस्ट्रल है कोई या डेक्स्ट्रल है जैसा मतलब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट हो गया तो उसको आप उसके मूवमेंट के अलॉन्ग जो है यहाँ पे शो करेंगे, मार्क करेंगे। तो बेसिकली यही है, ये आपको भी पता है कि आप अगर हॉरिजॉन्टल मैपिंग कर रहे होंगे, मतलब ये कि आप कोई भी एक्सपोजर है उसके ऊपर चढ़ के जैसे आप मूव कर रहे हैं तो आपके पाँव में है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जिससे किसी पहाड़ के ऊपर आप कर रहे हैं तो जितनी आपके पास विजिबल होगी जहाँ पर से वो लिथोलॉजी अगर अंडर वेजिटेशन आ जाती है तो वो आपको नहीं मिलेगी। तो बेस्ट आपको भी पता है कि जिस टाइम जियोलॉजिकल मैपिंग की जाती है तो वो मैपिंग की जाती है अलॉन्ग द सेक्शन, ठीक है, जहाँ पे रोड सेक्शंस होते हैं या स्ट्रीम कट होते हैं, क्योंकि उन स्ट्रीम कट्स की वजह से मैक्सिमम लिथोलॉजी जो है वो एक्सपोज्ड होती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो प्लस पॉइंट आ जाता है, जो एडवांटेज आ जाता है माइनिंग के दौरान, कि अगर ओपन पिट माइन हुई हुई है तो पूरे के पूरे एरिया पे, जैसे अगर आपने वो थर की माइंस वगैरह देखी हो तो जो थर की कोयले की माइंस हैं वहां पे पूरे का पूरा इलाका है वो उन्होंने उसको एक्सकवेट आउट किया हुआ है ना, ठीक है। तो वो आपके पास एक एक्टिव माइनिंग हो रही होती है, तो उस एक्टिव माइनिंग में आप स्टेप बाय स्टेप जो है वो नीचे मूव करते जा रहे होते हैं, ठीक है। ये आपके पास फेस वन आ गया, फिर मैं इसको क्लियर आउट करके तो फिर दोबारा बनाते हैं। तो इनिशियली ये ऊपर जो है ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है, ठीक, ये आपका उसने फर्स्ट रेल किया तो ये आपके पास फेस वन आ गया, ठीक है, ये फेस टू आ गया, फेस थ्री आ गया, फेस फोर आ गया। तो जैसे जैसे वो स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है उस तरह ही अगर आप एक्टिवली साथ में उसकी मैपिंग करते जा रहे हैं तो वो आपके पास स्टेप बाय स्टेप एट द एंड जिस टाइम आप करेंगे तो वो आपके पास इस तरह एक कंपोजिट सा आपके पास मैप बनता जाता है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। ये उसने की हुई है उन्हीं फेसेस के अलॉन्ग, ये फेस वन आ गया, ये फेस टू आ गया, ये फेस थ्री आ गया आपके पास, ठीक है। ये उसकी आप देखें स्टूपिंग जो है वो किस तरह हुई हुई है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो उस जो ओर है उसके करीब करीब होते जा रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जो आपका इनिशियल फेस होता है वो ज्यादा वाइडर होता है, उससे जो इंटरनल फेस है वो थोड़ा सा कम वाइडर होता है, उससे इंटरनल जो है वो कम वाइडर होता है। तो अगर आप चाहते हैं जितनी डेप्थ के अलॉन्ग आप ड्रिल करना चाह रहे हैं, इसमें आप पिट माइनिंग करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपको जो इनिशियल है वो आप उसको ज्यादा वाइडर करेंगे। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर से जिस टाइम आप ट्रेंचेस वगैरह बना रहे होते हैं या इसके अलॉन्ग आप मूव कर रहे हैं तो अगर नेक्स्ट आपने जो स्टेप किया है वो अगर आप इससे वाइडर कर देते हैं यहाँ से तो ये ऊपर का सारा कोलैप्स हो जाएगा। ये जो कॉमन सेंस की बात है ना, ठीक है। तो आप जो फर्दर जो आपके फेसेस होते हैं वो इससे थोड़ा कम विड्थ में होते हैं, ताकि अगर ये नीचे ऊपर का पोर्शन अगर कोलैप्स भी करता है तो वो यहाँ पे आके डेब्रस उसका डंप हो जाए, ठीक है, बजाय इसके कि जो वो सारे का सारा आपके सर के ऊपर आके लगे। तो समझ आइए इसकी चीज की कि जो एक्टिव माइनिंग है उसमें आप हर जो फेस कंप्लीट होता है उसके बाद जो नेक्स्ट फेस स्टार्ट होता है उसकी भी आप माइनिंग करते जा रहे होते हैं, सॉरी मैपिंग करते जा रहे होते हैं, ताकि आपको सब सरफेस में उसका ट्रेंड जो है वो एक्यूरेटली पता चलता जाए। इसका जो स्केल है ये आपके पास लार्जर स्केल पे होते हैं, मतलब मजीद डिटेल में होता है। तो इसका जो आपके पास स्केल है वो 1:250 आता है मीटर का, या आप 1 मीटर या 1:250 का इसका जो है आपके पास स्केल आ रहा है, ठीक है, जो मोस्ट एडुकेट है इसके लिए माइंड मैपिंग के लिए। लेकिन अगर आप कम्प्लेक्स एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास लिथोलॉजीज इनकॉर्पोरेट हो रही है, बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही है, तो वहाँ पे मजीद आप डिटेल कर सकते हैं, ठीक है। 1:100 पे भी जा सकते हैं, 1:50 पे भी आप जा सकते हैं।
तो इसमें जो उसने कहा कि मोस्ट जो आपके पास आइडियल जो मैपिंग टेक्निक है वो आपके पास क्या है, स्ट्रिप मैपिंग है, ठीक है, जिसको ट्रावर्स मैपिंग भी कहा जाता है, तो ये होती है विद यूजेज ऑफ टेप एंड कंपस। अगर माइनर के पास जो आपके पास जिसने माइन लीज की हुई है, जो बेसिकली जिसने आपको हायर किया है फॉर मैपिंग, अगर उसके पास टाइम भी है और उसके पास जो है वो फंड्स भी हैं, तो फिर ज़्यादा जो एक्यूरेट जो मैपिंग टेक्निक है जो कि प्लेन टेबल का वाला है मैपिंग का, तो वो फिर यूज़ की जाती है, ठीक है। अगर ये सब डिपेंड कर रहा होता है आपकी फंडिंग के ऊपर, अगर आपकी फंडिंग और आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो फिर मोस्ट जो आइडियल है वो आपके पास प्लेन टेबल का है, ठीक है। मजीद अगर आप उसे मजीद आपके पास फंडिंग है तो फिर आप सैटेलाइट वगैरह भी यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास लिमिटेड फंडिंग है और आपके पास टाइम भी लिमिटेड है, तो फिर आप जो है ये टेप एंड कंपस वाला मेथड यूज करेंगे। तो जिस टाइम आप फेस मैपिंग कर रहे होंगे, फेस मैपिंग वही के फेस मैपिंग की समझ आ गई है ना आप लोगों को, फेस वही है कि जो उसके स्टूप्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, जो उसके कटिंग करता जा रहा है तो वो उसके पास फेसेस बनते जा रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे किया, ठीक है, उसके जिस टाइम आप फेस मैपिंग कर रहे हैं तो उसकी बेसिकली जो है उसने ये कहा कि जिस टाइम आप मैप उसका कंस्ट्रक्ट करें तो वो उसकी टो के ऊपर बैठ करें, ठीक है, टो के ऊपर मूव करते हुए जितनी स्ट्रक्चरल मेजरमेंट्स हैं या स्ट्राइक्स है या फिर डिप्स हैं, जितने सिग्निफिकेंट आपके पास स्ट्रक्चर्स विजिबल हैं या कॉन्ट्रैक्ट जो है एक डिफरेंट लिथोलॉजीज का जो आपस में कॉन्टैक्ट आ रहा है, वो जितनी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो रिकॉर्डिंग करेंगे आप उसकी टो के ऊपर, समझ आई। टो का मतलब ये है, ये मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, तो ये कि आप ये वाले पोर्शन पे आप उसकी मैपिंग करेंगे, ठीक है, ना कि आप इस पोर्शन पे या फिर आधे में से जहाँ पे आपको रास्ता मिल रहा है तो आप आधे में से वो करते जा रहे हैं। अगर टो पर से करेंगे तो ऑब्वियसली आपके पास ये ऊपर का पूरा पोर्शन जो है ये विजिबल है, आपको पूरे के पूरे ट्रेंड का पता लग रहा है, ठीक। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जिस टाइम आप उसकी मैपिंग करेंगे तो आप उसके जो बिल्कुल जो बॉटम आ रहा है जिसको टो कहा जाता है, तो उस पे खड़े होके आप उसकी ट्रेवर्स मैपिंग करेंगे। तो जिस टाइम आप प्लेन व्यू उसका आप यूज कर रहे होते हैं, तो प्रीवियस जो जितने सेक्शंस हैं या जितनी फेस पोजीशंस हैं उनके साथ जिस टाइम आप उसे यूज करेंगे साथ में, तो वो फिर आपके पास एक जो है कंपोजिट मैप सा बना रहा होता है उस पिट फ्लोर्स का, लिथोलॉजीज का, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे उसने टोस के ऊपर मूव करते हुए उसने एक ट्रैवर्सिंग की, फिर उसने सेकंड ट्रैवर्सिंग की, उसने थर्ड ट्रैवर्सिंग की और उसने फोर्थ ट्रैवर्सिंग की, ठीक है। ये आपके पास हर जो इसकी ट्रैवर्सिंग है ये आपके पास ऐसा एक सेक्शन बना रहा होता है, ठीक है, ऐसा आपके पास सेक्शन बन रहा होता है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर 1 आ गया, ऐसे ही सिमिलरली आप फर्दर जो है उस जो डाउन उसका टो था, जैसे सेकंड फेज था उसके ऊपर आपने किया, थर्ड फेज था उसके ऊपर आपने जो स्ट्रिप माइनिंग की है, सॉरी स्ट्रिप मैपिंग की है, तो इनको जिस टाइम आप ऊपर नीचे रख के सेम स्केल के ऊपर जिस टाइम आप इन्हें सुपर इम्पोज करेंगे, तो ये आपके पास जो ट्रेंड है वो उसको आप फर्दर जो है एक कंपोजिट सब सरफेस का मैप बना सकते हैं। इस चीज की समझ आई है। इवन के अगर आप सरफेस मैपिंग भी कर रहे हैं यूजिंग ये स्ट्रिप मैपिंग के, आप किसी एरिया में जो उसका अगर आप सिंगल एक ट्रैवर्स के अलांग मैपिंग कर रहे हैं तो वो आपके पास एक ट्रैवर्स मैप बनेगा, लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली आपने 2-3 ट्रैवर्स ले ली तो इनका जिस टाइम आप ज्वाइन करेंगे आपस में तो ये आपके पास एक
हॉरिजॉन्टल प्लेनर व्यू में आपके पास एक मैप बन जाता है। अगर सिंगुलरली देखेंगे तो ये आपके पास सेक्शन है, ठीक है, लेकिन दो तीन सेक्शन को जिस टाइम आप कंबाइन करते हैं तो वो आपके पास प्लानर व्यू में, ये हम सरफेस मैप की बात कर रहे हैं, तो वो आपके पास एक प्लानर व्यू में आपके पास एक मैप बन जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये जितने बड़े मैप बने होते हैं ना आपके पास जल जी के, ये इसी तरह ही बनाए जाते हैं कि आप दो तीन आप डिफरेंट पोजीशन पर से उसको ट्रैवर्सिंग कर रहे होते हैं, फिर उनकी आपस में आप लिथोलॉजीज को जो है क्रॉस कोरिलेट करते हैं कि एक लिथोलॉजी यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है, तो आप ये इतने सेक्शन तक जो है उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, दरमियान का जितना पोर्शन होता है उसको आप एक्सट्रापोलेट कर देते हैं, समझ आई। सिमिलरली अगर आप माइंड में कर रहे हैं काम, अब ये यहाँ पे उसने एक ट्रैवर्स मैप बनाया, उसके बाद सेकंड बनाया, फिर थर्ड बनाया, फोर्थ बनाया, इन सबको जिस टाइम उसने कंबाइन किया तो ये आपके पास एक कंपोजिट आपके पास जियोलॉजिक मैप बन रहा है उस माइंड का। तो उसमें इंक्लूड क्या करते हैं, जिस टाइम आप स्ट्रिपिंग कर रहे होते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, तो उसमें एक आ जाता है आप जितने आउटक्रॉप्स हैं उसमें इन सिचू कहा जाता है एट दैट लोकेशन। ठीक है, उसी लोकेशन पे आप रॉक के फ्रेगमेंट या फिर कलर चेंजेस हैं, ठीक है, ऑन द पिट फ्लोर, वो भी आप देखते हैं। उसके अलावा जो है कटिंग फ्रॉम द ग्रेड कंट्रोल या फिर ब्लास्ट होल के साथ जो ड्रिलिंग वगैरह आप कर रहे हैं उसके अलॉन्ग जो आपके पास कटिंग आ रही है या फिर आपने ब्लास्टिंग करके उसमें होल्स वगैरह बनाए हैं उनको भी स्टडी करके जो है आपको सब सरफेस के बारे में आइडिया हो जाता है। आप जो है वो वही मैंने आपको कहा जो एक्सप्लोरेटरी वेल्स होते हैं वो आपको आइडिया दे रहे होते हैं कि कितनी डेप्थ पे कौन सी फॉर्मेशन जो है वो मौजूद है, कहाँ पे फॉर्मेशन में चेंजेस आ रही है उसमें। तो एक फॉर्मेशन है वो फॉर एग्जांपल सब सरफेस में 10 मीटर से स्टार्ट हुई और 25 मीटर पे एंड होगी, तो इसकी थिकनेस आप फाइंड कर सकते हैं ना, 25 माइनस 10 आपके पास जो है ये 15 मीटर की उसकी थिकनेस आ गई। ठीक है, तो जो ड्रिल कोर्स होते हैं उसके आप कॉन्टिन्यूसली साथ में स्टडी कर रहे होते हैं ताकि आपको पता लगे कि अभी आपको कितनी डेप्थ पे है, तो कितनी डेप्थ पे कौन सी फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो उनको आप जो है नोट डाउन कर रहे होते हैं। वो फर्दर जो आप जैसे ही वहाँ पे मैपिंग जो है उसके क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं सब सरफेस के, तो उसमें वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप ड्रिलिंग नहीं कर रहे तो फिर जो शैलो आपके पास ड्रिल्स होते हैं जिसमें आपके पास ट्रेंचेस वगैरह बनाते हैं या पिट फ्लोर से बना रहे होते हैं यूजिंग बुलडोजर हो गया या फिर ट्रेंचिंग मशीन्स वगैरह होगी या फिर आपने कोई लेबर लगाई हुई है उसके साथ सिंपली जो है वो ट्रेंचेस बना के वहाँ पे आप सब सरफेस में जितना मूव आउट कर सकते होते हैं वो आप उसका बिहेवियर देखते हैं। तो जो कम्प्लेक्स लिथोलॉजी है उसका जिस टाइम आप बिहेवियर देख रहे होंगे तो प्लेनर व्यू से ज़्यादा अच्छा तरीके में वो आपको जो है क्रॉस सेक्शंस में जो है वो बेटर डिफाइंड हो जाता है। तो फुल वैल्यू वही जिस टाइम आप कंप्लीट पिक्चर नहीं देखेंगे तब तक आपको उस एरिया का नहीं पता लगेगा कि अभी जो है वो लिथोलॉजी का ट्रेंड क्या चाह रहा है, वो आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है या लिथोलॉजी ऑफ इंटरेस्ट है या और बॉडी जो है वो आप जो सब सरफेस में है वो किस तरह मूव कर रही है। क्योंकि वो मैं आपको पहले एग्जांपल दे रहा था कि कोल माइनर्स जो अक्सर होते हैं जो बगैर किसी सर्वे वगैरह के वहाँ पे उन्हें एक कहीं पे कोई उसका एक्सपोजर मिलता है पुराने एक्सपीरियंस पे उसे आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो उसी के स्ट्राइक के अलांग जो है वो उसको ड्रिलिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि प्रॉपर माइनिंग नहीं हुई होती, प्रॉपर मैपिंग नहीं हुई होती, तो वो चांसेस होते हैं जैसे अगर नथेगली वाली साइड पे आप जाए तो वो आपको पता है कि वहाँ पे एक्सटेंसिव फॉल्टिंग है, तो वहाँ पे चांसेस है कि 2-3 मीटर के बाद जो है वो बेड ही मूव कर जाए। ठीक है, तो वो बेड ऊपर गया है या नीचे गया है या कितने मीटर का जो है वो डिफरेंस आया है, ठीक, उसको ट्रेस अप करने के लिए आपको एक्टिवली उसमें जो है जितनी जो माइनिंग है उसके अलांग जो है वो आपको मैपिंग करनी पड़ती है ताकि वो आपको ट्रेंड का पता लग जाए। तो वो जो ट्रेंड होता है वो आपको मोस्टली जो है ये कम्प्लेक्स लिथोलॉजीज होगी या फिर सिंपली भी वो जितना आप क्रॉस सेक्शंस में बनाते हैं तो उससे डिफरेंट लेवल के जो होते हैं उन्हें जैसे में आप कंबाइन करते हैं तो फिर आपको जो है प्रॉपर जो रीजनल
स्टोरी है उसके बारे में पता लगता है कि यार वहां पे ट्रेंडिंग किस तरह है, कि अगर ड्रॉप हुआ है आपकी और बॉडी ड्रॉप हुई है तो कितने मीटर ड्रॉप हुई होगी, क्योंकि ड्रिलिंग जो होती है ये इंतहाई कॉस्टली चीज होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आप जैसे हम ड्रिलिंग के ऊपर एक्सपेंसेस लगा रहे होते हैं, तो आपकी कोशिश यही होती है कि जितना मैक्सिमम आपके पास जो है ना वो यील्ड, जो इकोनॉमिक यील्ड है वो आप दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो जिस टाइम आप इन्हें कंबाइन करेंगे तो फिर ये आपके पास जो है कंप्लीट पिक्चर बताती है, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर ड्रिल होल का डेटा आपको मिल जाता है तो उन ड्रिल होल का डेटे को जिस टाइम आप अपने सेक्शन वगैरह उनके साथ आप मैचअप करेंगे तो वो आपको जो है वो मैक्सिमम और पावरफुल टूल है जियोलॉजी के लिए भी, सब सर्फेस के लिए भी, और मिनरलाइजेशन जो जोन्स हैं उनकी स्टडी के लिए भी जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है ये बहुत आपके यूजेबल होती है। तो ये जो सेक्शन बना रहे होते हैं ये आप स्टैंडर्ड माइंड सेक्शंस के ऊपर बना रहे होते हैं, वो जो उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। जैसे आप लैंडस्लाइड को स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है, उन्हीं के मुताबिक जो है आप उन्हीं स्टैंडर्ड जो उसका वो बना होता है फ्लो चार्ट उसे आपने फिलअप करना होता है। उसी तरह जैसे हम आप माइंड सेक्शन बना रहे होंगे तो उनके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं तो उन्हें आपने फॉलो करके आगे जो है वो सेक्शन वगैरह बनाने होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जिस टाइम आप उन्हें ओवरलैप करेंगे, अगर आपने स्टैंडर्ड नहीं यूज किया हुआ, एक जो सेक्शन है उसमें आपका स्केल है 1:10 का, दूसरा सेक्शन है उसमें 1:20 का है, तीसरा सेक्शन है उसमें आपने 1:50 का किया हुआ है, तो आपस में प्रॉपरली मैचअप नहीं करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जो है आपका ये आ गया 1:10 का, ठीक है, सेकेंडली 1:20 का है, तो वो आपके पास जो है वो मजीद जो है वो थोड़ा कंप्रेस हुआ होगा, 1:50 का मजीद आपके पास कंप्रेस हुआ होगा अगर आप सेम ही डिस्टेंस के एरिया का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपस में प्रॉपरली मैचअप नहीं होंगे बाद में, इसलिए अगर डिफरेंट उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इसीलिए यूज किए होते हैं कि हर बंदा उसे फॉलो करे, तो ताकि लेटर ऑन जिस टाइम डिफरेंट जियोलॉजिस्ट से वो काम अगर हो रहा है तो वो बाद में जिस टाइम डिफरेंट सेक्शंस है उन्हें आपस में ओवरलैप किया जाए तो वो उनमें मिसमैचिंग ना आए, ठीक है। इसलिए वो एक स्टैंडर्ड जो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, स्टैंडर्ड उनका जो स्केल है उनको फॉलो किया जाता है। इसके अलावा अगर आप पिट्स बना रहे हैं उन एरियाज में जहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ हुआ है, ऑक्सीडाइज ये कि आपको पता है कि वहां पे वेदरिंग वगैरह की वजह से ऑक्सीजन जितने मेटल्स वगैरह होते हैं इन्हें ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो लीचिंग और गोसैंस वगैरह बन जाते हैं। अब इन में प्रॉब्लम ये होता है कि वहां पे मैप बनाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे जैसे वो ड्रिलर होगा या फिर वहां पे आपने मशीनरी लगाई हुई है तो वो तो कम्पैक्ट फॉर्म में नहीं होते, वो भुरभुरी सी फॉर्म में होता है, तो वहां पे ड्रिलिंग की स्पीड बहुत तेज हो जाती है, तो ड्रिलिंग की स्पीड की वजह से आपको बार दफा जो है वो सही सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो अल्टर्ड भी होते हैं तो उनकी अल्टरेशन वगैरह की वजह से वहां पे ऐसे फेसेस में जहां पे ऑक्सीडेशन हुई हुई है वहां पे अगर आपने वहां पे पिटिंग की है या ट्रेंचेस किए हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन जो है वो लेस अवेलेबल होती है आपके पास। तो उसी वजह से जो आपके पास रिकॉर्डिंग ऑफ डिटेल्स जिसमें आपके पास स्ट्रक्चरल डिटेल्स होती है, क्योंकि वो अल्ट्रेशन की वजह से केमिकल वेदरिंग वगैरह की वजह से वो जितने उनके जो बेडिंग प्लेन्स होते हैं ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके पास जो है वो वाइप सी हो जाती हैं, मतलब जो है डिफ्यूज सी हो जाती हैं थोड़ी सी, लेकिन उसे क्या स्टिल जो है आप मैप तो वहां पे बनाए जितनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है जिसमें अगर कोई बेडिंग ट्रेंड वगैरह आपको कोई दिखाई दे रहा है या वहां पे आप वेदर सरफेस ही बता दे, लेकिन हैविंग समथिंग इज बेटर देन नथिंग। नीचे जो पिक्चर है इसमें उसने डिफरेंट लेवल्स के ऊपर किया हुआ है। तो जो फील्ड मैपिंग शीट्स हैं जिसमें आप डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज
कर रहे होते हैं, उन्हें ड्राफ्ट करने की या उन्हें डिजिटाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, वो इतने यूजेबल नहीं होते, वो आपके यूजेबल होते हैं, लेकिन उनको फर्दर आप जो मजीद जिस टाइम फर्दर आप वहाँ पे एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो उसमें वो यूजेबल होते हैं, तो इसलिए उन्हें फेंकने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो यूजेबल उस तरह नहीं है कि आप उन्हें डिजिटाइज वगैरह करें तो आपको इंफॉर्मेशन वगैरह, मतलब एट द एंड तो हमने वो सेक्शन बना के उन्हें ओवरलैप करके तो हमने जियोलॉजिकल मैप बनाना होता है, ठीक है, और हमने उसे एक्यूरेटली बताना होता है कि जी कितने डेप्थ पे जो है आपकी दोबारा जो कोल सीम है या मिनरलाइजेशन सीम है वो रीअपियर होगी, ठीक है। लेकिन वो जो आपके पास डिजिटल डेटा है जिसे न्यूमेरिकल डेटा सेट भी कहा जाता है, तो उसको जो है आप संभाल के रखें ताकि फर्दर जो जिस टाइम आप मूव आप फर्दर मूव आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस डेटा को आप इनिशियल डेटा के साथ कंबाइन करके आप जो सॉफ्टवेयर अगर यूज कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंपोजिट आपके पास वो पिक्चर बनाता जाएगा। तो वो फर्दर उसने कहा कि ये जो फील्ड मैप्स होते हैं ये शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड, ठीक है, डिजिटाइज सेट ऑफ स्टैंडर्ड स्केल का जो आपके पास जियोलॉजिकल लेवल प्लेन्स है ना उनके ऊपर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर मूव आउट किए जो है उन्हें सुपर इम्पोज किया जाता है, उन्हें डिजिटाइज किया जाता है ताकि आपके जो फाइनल पिक्चर जो है जो आपके पास रीजनल मैप उस पोजिशन का जो बन रहा है उसमें वो पाइल अप होती जाए सारी की सारी चीज़ें। तो वो जो प्लेन या सेक्शंस होते हैं वो नॉर्मली 1:250 या 1:500 के स्केल पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये ग्रीन वाले पोर्शन में उसने बड़े मजे की बात की कि कौन सा डेटा जो है वो आप किसी माइन में या ओपन कट माइन में आप रिकॉर्ड करते हैं, ये चीजें जो है ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस जो है ये चीजें गेन होती हैं कि कौन सी जो है वो सप्लीमेंट्री डेटा है, कौन सा जो है एसेंशियल डेटा है, ठीक है। तो ये जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो उसी तरह ये आपको पता लगता जाता है कि यार वो ट्रेंड कैसा फॉलो हो रहा है, ठीक है, कौन सी जो है वो फर्दर जो है वो आपको नहीं मिलेगी या कौन सी जो है वो आपको मस्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए इंफॉर्मेशन। तो इनिशियल में तो यही है कि आप जितनी आपको मिल रही है आप उन सारे को आप रिकॉर्ड करते जाए, लेकिन लेटर ऑन जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वो फिर आपको पता होगा कि यार ये चीज़ें जो है कौन सी जो फॉर्मेशन है इसको फर्दर जो है आपने रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना। इसका वही बात की वो इंटेलिजेंस मैपिंग वाली बात, ठीक है, कि जो सिग्निफिकेंट आपके पास एक्सपोजर्स हैं जो आपको यूज हो सकते हैं जो आपको मजीद इंफॉर्मेशन दे सकते हैं सिंपली आप उन्हीं को पोर्शंस को आप रीड आउट करते जा रहे होते हैं। उसके अलावा ये करें कि आप जैसे हमें फिजियोलॉजी पढ़ा रहा था बच्चों को तो उसमें भी वो कई दफ़ा उन्होंने लिखा हुआ था कि जैसे आप सेडिमेंट्री रॉक पे जाते हैं या फिर आप बिगनियस रॉक पे जाते हैं उनकी स्टडीज कर रहे होते हैं तो लाजमी नहीं कि आप उस रॉक को आइडेंटिफाई भी कर सके। तो अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, आप एक चार काम कर सकते हैं, एक तो आप उसके जितना स्केचेस वगैरह है वो बना ले, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन आप वो गैदर अप कर सकते हैं क्योंकि पिक्चर में बार दफ़ा आपके पिक्चर में और आई जो आपकी है आंख इन दोनों में जो है वो बहुत फ़र्क है, ठीक है, आपकी पिक्चर बार दफ़ा वो कैप्चर नहीं कर सकती कि जो आपकी आंख वो डिटेल्स कैप्चर करती हैं, ठीक है, उसके कर्व्स एंड एजेस वगैरह। तो वो सारी चीज़ों के लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उस जो एक्सपोजर है या जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है आपका कि वहाँ पे आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेबल होनी चाहिए तो उसकी आप स्केचेस वगैरह बना लेते हैं। अगर आप रॉक को वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ठीक है, अगर फील्ड पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो आप उसका सैंपल उठा के ले आए अपने फेलो जियोलॉजिस्ट के साथ या किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ उसको डिस्कस कर सकते हैं कि यार ये कौन सी लिथोलॉजी का होगा, ठीक है, इसमें आपके पास लिथोलॉजी क्या है, इसकी फॉर्मेशन कौन सी होगी, इसकी एज वगैरह क्या होगी। तो इसलिए वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप किसी एक्सपोजर पे जाते हैं और वहाँ पे आप रॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप उसकी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जितनी है वो आप उसकी कैप्चर कर लें, आप उसकी जो है डिप स्ट्राइक्स वगैरह देख लें, आप ट्रेंड वगैरह देख लें, उसके अलावा आप उसके स्केच बना लें, उसका फोटोग्राफ भी ले लें और साथ में उसका सैंपल भी उठा के ले आए, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे फील्ड में ब्लैंक हैं
तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए करना है आपने क्या है कि जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, वो आप रिकॉर्ड करके साथ में लेके आएंगे. तो ये एक छोटी सी उसने चेकलिस्ट एंड में बताई हुई है, ये कंप्लीट चेकलिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जो है मैक्सिमम इसमें उसने लिखा हुआ है कि एक तो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द ओर, या फिर किसी भी सिग्निफिकेंट जो आपके पास मिनरलाइजेशंस है उनको आपने नोट डाउन करके मैप करना होता है, ठीक है. बाउंड्रीज ऑफ द मेजर लिथोलॉजिकल यूनिट्स, उसके अलावा पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, जिसमें आपके पास फॉल्ट फोल्ड आ जाते हैं, ठीक है. पोजीशन मतलब ये कि उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ओरिएंटेशन उसके मतलब स्ट्राइक एंड डिप, ठीक है. अल्ट्रेशन पैटर्न्स कि अगर वहाँ पे अल्ट्रेशन आ रही हैं उनमें वो केमिकल वेदरिंग है, या फिर वो शियरिंग की वजह से हो रही है, या फिर लैंडस्लाइडिंग की वजह से हो रही है, वो पैटर्न वेदरिंग एजेंट जो है वो आपने नोट डाउन करना होता है. मेजर वेन्स अगर आपके पास मिल रही हैं, ठीक है, या वेन्स का सेट मिल रहा है. जियोटेक्निकल डेटा जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ फ्रैक्चरिंग है, ठीक है जी. फिर उसके अलावा रॉक की हार्डनेस वगैरह अगर रिक्वायर्ड बाय द इंजीनियर्स को अगर चाहिए तो उसके आप रॉक की हार्डनेस वगैरह भी आप उसमें रीड आउट कर सकते हैं. अगर ऐसा एरिया हो जहां पे आपके पास वेल डिफाइंड लिथोलॉजिकल बाउंड्रीज नहीं है, तो वहां पे आप जो है ना ट्रेंड्स वगैरह होगी जिसमें आपके मतलब एक ही लिथोलॉजी आ रही है, उसके अलावा आपके पास डिफरेंट लिथोलॉजीज नहीं है, इस तरह का एक कोई सिनेरियो बन जाता है कि आप सिंपली एक ही सैंडस्टोन के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो उसमें जो आपने रिकॉर्डिंग करनी होती है उसमें आप ये कि कंटीन्यूअस फीचर जिस तरह आपके पास बेडिंग प्लेन्स होगे, क्लीवेज होगे, जॉइंट्स होगे, वेन सेट वगैरह होगी, इनकी आप जो है वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है. और जहां पे डिसकंटीन्यूअस फीचर वगैरह आपके पास मौजूद ही नहीं है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, जो वेन्स वगैरह है, ठीक है, जिसमें आपके पास जॉइंट फ्रैक्चर शीयर वगैरह हो गए पर मीटर, आप उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है. फिर एंड में इसने ये बताया कि हाईली अल्टर्ड वर्ड ना यूज करें, ठीक है, कि वो अगर अल्ट्रेशन का आपको कर रहे हैं, वेदरिंग का आपको कोई वेदर फीचर मिला है, तो आप उसको ये मत कहें कि यार ये बहुत ज्यादा वेदर था या ये कम वेदर था. आप अपने पास एक स्केल सा जनरेट करते हैं फ्रॉम 1 to 5, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल 1 जो है वो लेस वेदर्ड है, 5 आपके पास हाईली वेदर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नंबरिंग दे दें, तो वो परसेंटेज के मुताबिक तो वो आपके पास जो है वो ज्यादा बेटर है, या इसके कि आप उसे कहें कि यार वो हाईली वेदर था या मीडियम वेदर था, मॉडरेट वेदर था. ये आज हो गया पिट फ्लोर्स का, ठीक है. कल इंशाल्लाह पढ़ते हैं अंडरग्राउंड ओपनिंग्स के बारे में, ठीक है. उसमें जैसे ही आप अंडरग्राउंड माइंस में जाएंगे तो वहां पे आप उसको कैसे स्टडी करेंगे.